वादे क्यों करते हैं? आप कानून की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर आप खंभे पर चढ़ के तार जोड़ते हैं जबरदस्ती, जिसका डिसकनेक्शन हुआ और पब्लिक उस पर तालियां बजा रहती है, वही आदमी आज आपकी जेब काटने में लगा हुआ है। कल एक पुराने क्षेत्र में प्रदर्शन था, मैं देख के हैरान था कि अनऑथराइज कॉलोनी में जो छोटे छोटे प्लॉट है 20 गज का 25 गज का, उसका डिमांड नोट 10,000 रुपए का है। जो बिजली हाफ करने वाले नोट थे, आज वो बिजली के नाम पे दिल्ली की गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, लूट रहे हैं दिल्ली की जनता को। तो ऐसे बहरूपिया लोग जो दिल्ली में शासन करने आए, हमने उनके खिलाफ एक जंग शुरू की। उस जंग का नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति के लिए, मंच पे सारे वक्ताओं ने नाम लिया, मैं नहीं जाता हूं, ये पार्टी है इस दिल्ली के गरीब भावना, गरीब जनता की भावना है। जो हम सारे गरीब लोग हैं, हमने सबने इकट्ठा होकर यह फैसला किया है कि हम इस देश को एक नई राजनीति देना चाहते हैं, इस देश में एक नया सिस्टम देना चाहते हैं। सिस्टम क्या है कि आप 30 लाख की जब आप स्कॉलरशिप जारी करते हैं तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं। 3 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार पे खर्च करते हैं। 1 करोड़ रुपए हरियाणा में लेकर आएंगे, उसके लिए 14 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च हो जाएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ कि जो सिग्नेचर ब्रिज है, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, आपने कहा हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आदमी आया था, सिग्नेचर ब्रिज का अधूरा काम जिसमें हमारे दिल्ली के 4 मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई, कुछ उसमें 2 डॉक्टर भी थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन आदमी उसके लिए जिम्मेदार है? इस जिम्मेदारी को कौन ले रहा? जो वो लोग जो तालियां बजा रहे थे उसी मंच पे कि उद्घाटन होगा विकास पुरुष आ गए, या वो लोग रहेंगे जो कल को कहते हैं कि हमने वहां पे कम टाइम में काम किया, पूरा कर दिया, हमने चालू करा दिया, हमारे दिल्ली के मासूम बच्चों की जिंदगी छीनने वाला राक्षस हरियाणा में जाकर 1 करोड़ रुपए का चेक बांट रहे हैं। उससे मैं इस मंच के माध्यम से मांग करता हूँ दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के गरीब लोगों की आवाज के माध्यम से कि जाओ और दिल्ली की अदालतों में, दिल्ली की थानों में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ कि इस राक्षस ने हमारे बच्चों का खून किया है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे बच्चों को अधूरे पुल पर चढ़ा दिया और उनकी भेंट चढ़ा दी है। उनकी बलि गलियां इन सी आदमी है। ये आदमी आज जब दिल्ली की जनता ने इसको वोट दिया, आप सब लोग कहते हैं हमने क्यों पार्टी की शुरुआत करी है? हमने लिखा कि झूठ और फरेब के खिलाफ संघर्ष का 1 वर्ष। ये 1 वर्ष क्या है संघर्ष का? हमने बात चलाई लोगों के बीच में कि जो अमीर घराने से आता था उसको चप्पल पहनने की जरूरत क्या पड़ी, उसको गले में मफलर डालने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, इनकी भावनाओं से खेलना था। राजनीति में वोटों की संख्या, नंबर की जरूरत होती है और उसको पता था कि तेरे पास नंबर नहीं है, ये गरीब लोगों के पास वोट है, उनको इस बहरूपिया ने चप्पल के नाम पर ठग लिया। मोहल्ला क्लिनिक चलाए, मोहल्ला क्लिनिक पर हमारे साथियों ने सारा बताया, दिल्ली में इतनी सारी स्कीम चलाई। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी कल तक कहता था मैं गरीब आदमी हूँ, गरीबों के लिए काम करूँगा, आज वो हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज पे खर्च कर रहा है। वो हजारों करोड़ एडवर्टाइज का पैसा कहाँ से आया है? क्या उस हजारों करोड़ रुपए में क्या दिल्ली की हर विधानसभा में कॉलेज नहीं बन सकता था? एक पॉलिटेक्निक नहीं बन सकता था दिल्ली में? एक आईटीआई नहीं बन सकती थी हर विधानसभा में? इस पैसे का ये जो प्रचार किया जा रहा है, इस जो पैसा आपके ऊपर खर्च होना था, जो पैसा आपके विकास के लिए खर्च होना था, उस पैसे का क्या किया गया? प्रचार पर उड़ाया जा रहा है और आप कोई पूछने वाले लोग नहीं हो। ये वोटर कहता है कि सारी पार्टियां एक सी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी कहा कि सब पार्टियां एक सी हैं, लेकिन क्या हमने उनसे जवाब लेने की कोशिश की? जब हम जवाब लेना शुरू करें, दिल्ली में 67 सीट, बार बार चिल्लाया जा रहा दिल्ली में 67 सीट का ऐसा डर कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस और भाजपा दुम दबा के बैठी हुई है, आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पार्टियां इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है
कि आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इन लोगों ने आवाज उठाई नहीं और हम आवाज उठाएंगे नहीं, तो कौन जाएगा? हमारी आने वाली पीढ़ियां कौन संघर्ष करेगा? आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं और ये आपके लिए करेंगे नहीं संघर्ष, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि मैं तो जेल भेज दूंगा इनको। जैसे ही कोई बात उठती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में दंगे करवाना चाहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री वोट का पोलराइजेशन करना चाहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री सिग्नेचर ब्रिज पे जब एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को धक्का दिलवाता है और इस्तेमाल किसको करता है? मुस्लिम विधायक को इस्तेमाल करता है ताकि दिल्ली की जनता दंगे फसाद में फंस जाए, दिल्ली की जनता को आग में झोंकने का काम करता है वो आदमी, और हम लोग चुप होकर बैठे हैं। वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो दिल्ली के गरीब लोगों ने तय किया कि जब इस देश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो हम संविधान के अनुसार शासन लाएंगे। और हमने तय किया कि जिस दिन इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, जब वो सिग्नेचर किए गए, मैंने आज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि भारत के संविधान की प्रति आज हमने यहाँ जो हमने प्रज्वलित कराया है उसमें भारत के संविधान की प्रति रखवाई गई है। और जो भी संविधान सभा के मेंबर थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने सहयोग किया, उस संविधान की प्रतिलिपि को हमने यहाँ रखवाया ताकि आप लोग उससे प्रेरणा लें। इस देश का शासन इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, इन झूठे आगंतुकों से नहीं चलेगा। इस देश का संविधान इसके अनुसार ये चलेगा। ये पार्टी इस संविधान को बचाने के लिए तैयार हुई है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इन नागरिकों के हकों को बचाने के लिए। भारत का संविधान किसी जाति धर्म की बात नहीं करता है, भारत का संविधान सबको बराबरी की बात करता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जो पार्टी दिल्ली में आई सत्ता में, उसने कहा हम नई राजनीति देंगे, नई तरह की राजनीति देंगे। पिछले 15 दिन से अखबार में आ रहा है कि उन्होंने SC ST मोर्चा बनाया, आम आदमी पार्टी ने SC ST मोर्चा बनाया, आम आदमी पार्टी ने बंगाल मोर्चा बनाया, आम आदमी पार्टी ने गढ़वाल मोर्चा बनाया। तो ये कौन सी राजनीति है? आप बंटवारे की राजनीति लेकर आए, आप तो कहते थे हम दिल्ली को नई राजनीति देंगे, नई दिशा देंगे। कौन सी नई दिशा देना चाहते हैं आप? और अपने प्रचार पे, एक आदमी के प्रचार पे ऐसा दिल्ली का पहला मंत्री मुख्यमंत्री है जो किसी भी महकमे का, जो भी कोई भी डिपार्टमेंट उसके अंडर में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री का फोटो चिपकेगा। ये जो धोखा दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को। दूसरा, दिल्ली में जल बोर्ड कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसका कोई मंत्रालय नहीं है जल बोर्ड का, लेकिन उसका CEO है। तो दिल्ली जल बोर्ड उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है मुख्यमंत्री ने। दिल्ली में पिछले 2013 से लेकर अभी तक लगभग 50 से 100 लोग सीवर सफाई करते हुए मरे, सीवर की सफाई करते हुए 100 लोग मरे, और उनके लिए दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने 70 वायदे किए कि हम अगर कोई सीवर की सफाई करते हुए कोई आदमी मरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे और उसके घर परिवार के एक आदमी को रोजगार भी देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, क्या किसी एक आदमी को रोजगार मिला? क्या किसी एक आदमी को मुआवजा मिला? साथियों, ये झूठ और गुमराह की बात है। 500 स्कूल बनाने की बात करी गई दिल्ली में, एजुकेशन के लिए 500 स्कूल बनाने की बात करी गई। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली में कोई भी नया स्कूल नहीं बना है। ये जो झूठ दिखाया जा रहा है, ये जैसे गुजरात मॉडल था ना, गुजरात मॉडल के सामने के जी साबरमती के आश्रम पे फोटो ले लिए गए और पूरे देश में गुजरात मॉडल दिखा दिया गया, ऐसा ही दिल्ली के एक स्कूल में जो स्कूल डेंजरस थे उनकी रिपेयर हुई है, और रिपेयर होने के बाद एक कमरे को सजाया गया और एजुकेशन सिस्टम दिखा दिया गया दिल्ली का। अगर वो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो ये दिल्ली के जो गरीबों के बच्चे 45,000 बच्चे फेल हुए, उनको सरकार ने एडमिशन क्यों नहीं दिलवाया, क्यों नहीं दाखिले हुए उनकी? तो दोस्तों, हम जो चाहते हैं, ये कहते हैं बार बार, कुछ लोग रिजर्वेशन पे भी उंगली उठाते हैं, रिजर्वेशन पे भी बात करते हैं, हमारी पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है कि भारत के संविधान के अनुसार हम चलना चाहते हैं। अगर कुछ लोग, जो भी हमारे साथी
आर्थिक आधार की बात करते हैं रिजर्वेशन पे, हम उसका समर्थन करते हैं इस बात को लेके कि पहले हम दिल्ली में अगर हम सरकार बनाते हैं आर्थिक आधार कब मांगा जाएगा, जब आप जातियों को खत्म कर दोगे। और भारत का संविधान कहता है कि किसी के साथ जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि जिस दिन आपकी अपनी पार्टी पीपल दिल्ली में 2020 में सरकार बनाएगी, तो हम सबसे पहले जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको बराबरी पे लाने के लिए दिल्ली में कास्ट एवोल्यूशन एक्ट लेकर आएंगे। कास्ट एवोल्यूशन एक्ट हम लाएंगे कि देयर विल बी नो कास्ट इन इंडिया। हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे कि दिल्ली में कोई कास्ट नहीं होगी, और जब कास्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, गरीब और अमीर दो वर्ग हो जाएंगे। तो आप आर्थिक आधार पे जो बात करना चाहते हो आ जाओ, आप आर्थिक आधार पे हम चला रहे हैं। दूसरी चीज, इस देश के 2% पूंजीपति इस देश के 98% संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। उन लोगों ने क्या कर रखा है, जब वोट बनवाने आप लोग जाते हो, आपने वोट बनवाने के लिए 18 साल की उम्र संविधान में तय कर दी गई है, तो 18 साल का जो बच्चा होगा उसका वोट बन जाएगा। जब वो वोट डालने जाएगा तो कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उससे डिमांड नहीं करेगा कि तू वोट डालने आया पैसे दे। जब आपके वोट बनवाने का पैसा नहीं है और वोट डालने का पैसा नहीं है, तो ये कौन बेईमान लोग हैं जिन्होंने पैसे की भूमिका इस चुनाव में बनाई है। इलेक्शन में पैसे की भूमिका बनाई है कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं, संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं, और हमें जाति और धर्म की लड़ाई में धकेल दिया गया है। इसलिए इस देश के संविधान का पालन नहीं हो रहा है। 2011-12 से 2011-12 में ये साजिश रची गई बहुत बड़ी, जब इस देश में अन्ना के नाम पे भ्रष्टाचार के नाम पे आंदोलन खड़ा किया गया। जब 2011-12 में आंदोलन खड़ा किया गया तो क्या हुआ, पूरे देश के मीडिया ने हाहाकार मचा दिया, देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और पूरा वर्ल्ड जो देश का बिकाऊ मीडिया, जो पूंजीपतियों का मीडिया था, 24 घंटे भ्रष्टाचार की खबरें दिखाने लगा। उस मीडिया ने क्या किया, जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने इस देश में एक हाइप क्रिएट किया और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बदल दिया। आप लोग समझ ही नहीं पाए, देश का लोकतांत्रिक ढांचा है, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल होगा, वो फैसला लेगा। अगर लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं वो फैसला लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इस देश में उल्टे नारे शुरू कर दिए, लोकतंत्र को हाईजेक कर गए। उन्होंने क्या किया, अब की बार मोदी सरकार, एक नया नारा दे दिया गया, अब की बार मोदी सरकार, जनता की अहमियत ही खत्म, आपको चुनने का अधिकार ही खत्म कर दिया। सीधा कहते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव करो, एमपी एमएलए की चुनाव की बात खत्म होगी, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डाल दो। ऐसे ही दिल्ली में दिया 5 साल केजरीवाल, ये कौन सी सरकार है, ये कौन से लोकतंत्र की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। इस सारी चीज को बचाने के लिए हमने कहा कि भाई हमने अपना फोटो नहीं लगाएंगे, हम करेंगे कि दिल्ली में सबको अवसर सबको भागीदारी, हम एक नया सिस्टम लेकर आएंगे। और उस सिस्टम का नाम हमने रखा है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। इस सिस्टम में ये जो पूंजीपति है, इस देश के पूंजीवाद में जो सूरज रूपी अंधेरा लोकतंत्र का जो सूरज है, लोकतंत्र के सूरज के सामने पूंजीवादी अंधेरे ने अपने बादल खड़े कर दिए, लेकिन ये बादल ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि इन बादलों को हटाने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक सूरज लेके आई है दिल्ली में। तो हम जिस तरीके से अब आप रामायण, बहुत सारे लोग जय श्री राम करते हैं, हमारे साथी करते हैं, हम भी कोई बात नहीं, हम भी करते हैं, लेकिन रामायण से सबक नहीं सीखते हम लोग। अगर रामायण से सबक सीखना है तो मैं एक सबक आपको बताना चाहता हूं कि रामायण में जब सीता का हरण हुआ, आप लोगों को याद है सीता का हरण हुआ तो रावण एक साधु का भेष बना के आया था, रावण एक साधु का भेष बना के आया था। तो उसी तरीके से दिल्ली और देश में लोकतंत्र का हरण हुआ है। दिल्ली में एक आदमी जिसको असुरी शक्ति कह दो, रावण कह दो, उस आदमी ने गरीब आदमी का भेष बना लिया और दिल्ली के लोकतंत्र को हरण करके लेकर चला गया वो। अब वो लोकतंत्र हरण तो हो गया है, लेकिन सब लोग उसकी शक्ति से डरे हुए हैं कि 67 सीट जीत के आया वो आदमी। तो मैं आपके सामने कहता हूं कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इस देश ने वोट डाला,
और राजीव गांधी को 413 सीट दी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत है जो लोकसभा की जीत है वो सबसे बड़ी 1984 की जीत है। लोकसभा में 413 सीट जीतने के बाद ऐसी क्या बात थी कि 1989 में वही राजीव गांधी 180 सीट पर पहुंच गए। तो ये सरकार इस गुमान में ला रहे कि 67 सीट जीत का ही हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 50% भी होगा तो आप ही कर लेंगे, हम इसको वापस हरियाणा भेजने के लिए आएंगे। ये जहां से आया है ना, और हम सारे लोग दिल्ली में पैदा हुए हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में सब काम धाम कर रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, तो हम घर के भागने वाले भी नहीं है और ना अपना घर छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि इसके पास तो दिल्ली में घर ही नहीं था। ये कौशाम्बी में रहता था, हिसार से चल के आया, दिल्ली में कोई परमानेंट निवास नहीं, और दिल्ली के गरीब लोगों ने कहा, उनको कहा कि मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज दिल्ली के गरीब लोगों का खून चूस के सरकारी आवास में रहता है। तो दिल्ली में जब उसका घर नहीं है तो ठीक है, इसको हरियाणा में भेज देते हैं हम लोग। अब हरियाणा की तैयारी कर रहे, दिल्ली की जनता को लगातार धोखा देने वाला आदमी, दिल्ली की जनता को लगातार जब आई इन्होंने 2013 का चुनाव जीता तो इसको प्रधानमंत्री बनने की ललक हुई, फटाक से बनारस भागे। बनारस में जब वहां से 3.5 लाख वोटों पे हार आया, उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस कि मैं तो दिल्ली की वो एक एफएम पे ऐड चलाई कि माताजी मैं दिल्ली में वापस आ रहा हूँ, एफएम पे ऐड चलाई माताजी मैं दिल्ली में वापस आ रहा हूँ, और दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के भोले भाले ईमानदार लोगों ने भरोसा किया, 67 सीट जिता दी। 67 सीट जीतने के बाद भी पेट नहीं भरा, कभी बंगाल, कभी गोवा, कभी गुजरात, और गुजरात के लोगों ने और गोवा के लोगों ने इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वहां जमानते जब तोड़ी सारी। और ये आदमी कह रहा है मैं दिल्ली में बहुत पॉपुलर सरकार चला रहा हूँ, पॉपुलर सरकार की बात करता है। जब हम इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए गए, एक लड़ाई है, छोड़ा ना, आप लोग भूख पे कंट्रोल रखो, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं अपनी बात। जब हम लोग पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, क्योंकि इसको ये आभास हो गया था इस दिल्ली के मक्कार मुख्यमंत्री को, चप्पल वाले मुख्यमंत्री को, कि दिल्ली के गरीब लोग अगर यूनाइट होंगे तो ये सत्ता पलट देंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, कहा कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि मेरे नाम से मिलता जुलता है। हमने कहा नाम कैसे मिलता जुलता बताइए आप, आपकी आम आदमी पार्टी है, हमारी आपकी अपनी पार्टी है, तुम आम बेच रहे हो, हम तो अपने आदमी है सारे, और आम चूस के तुमने अपने आप को बना लिया है खास, आम की गुटली निकाल के फेंक दिया तुमने, खास बना दिया अपने आप को। तो साथियों जब हमने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात मान के और इसके ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए। ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गए, उसके बाद हमने इसकी पोल खोलनी शुरू कर दी, पोल खोलनी शुरू की तो ये फटाक से हाईकोर्ट चला गया। अब हाईकोर्ट में जाकर अर्जी लगाई है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये मेरे नाम से मिलती जुलती पार्टी है। उसको ये डर नहीं है कि नाम से मिलती जुलती पार्टी है, असली डर उसको ये है कि दिल्ली का गरीब लोग यूनाइट हो चुका है और उसको भगाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो दिल्ली से बाहर भागना चाहते हैं। साथियों काफी वक्त से आप बैठे हैं और हमने भी आपका काफी वक्त लिया, वक्त का, क्योंकि नया पार्टी नई नई है ना, जब नया घर होता है तो बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें नहीं, अच्छी भी लगती है आप लोगों को कि इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा। चलो आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपने जो भी अच्छा बुरा इन लोगों ने बोला, ये प्रोफेशनल नेता नहीं है सारे, सब समाज से निकले हुए हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम आपके सामने इस मंच के माध्यम से ये आश्वासन दे रहे हैं कि दिल्ली को नई राजनीति देने के लिए हम लोग तैयार हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये जो हमारे साथी थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो मंच पर बच्चों ने गीत पेश किया उसका धन्यवाद करते हैं। और साथियों इस पार्टी को बने हुए 1 साल हो गए हैं, 1 साल में थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि संगठन आगे नहीं बढ़ा है, पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं, अभी अनुभव थोड़ा कम है लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं तो ये सहयोग देंगे तो सारा अनुभव हो जाएगा। और इस सरकार को हम, क्योंकि इन्होंने 11 महीने में सरकार बनाई है, इन लोगों ने 2012 में पार्टी रजिस्टर कराई, 2013 का चुनाव जीता था नवंबर में, तो मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ हमारे पास 13 महीने हैं, अभी 13 महीने हैं हमारे पास, तो 13 महीने में हम दिल्ली की सरकार बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। दिल्ली के गरीब लोग अपनी सरकार बनाएंगे, और ये किसी एक आदमी की सरकार नहीं होगी। हमने पहले दिन जिस दिन पार्टी की स्थापना करी थी
उस दिन भी हमने ये कहा था कि हम चेहरा बनने नहीं आए हैं, हम चेहरा बनने नहीं आए हैं और ना हम ये बताने आए थे हम लेकर आए, हम दिल्ली में जवान बच्चों को चेहरा बनाएंगे और जो समाज सदियों से इस देश की गंदगी को धो रहा है, साफ कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो राजनीति में आकर गंदगी साफ करे। राजनीति की गंदगी साफ करने की भी उसकी ड्यूटी बनती है। अब तक तो बहुत सारी गंदगी हमने साफ कर ली है, तो अब राजनीति की गंदगी और उस राजनीति की गंदगी को हम अब इस बात को थोड़ा सा आपका एप्रिसिएशन भी जरूर पड़ेगी कि हम नई दिल्ली विधानसभा से राजनीतिक गंदगी की शुरुआत उन लोगों ने झाड़ू लगाकर बापूधाम में की थी। हम इस मंच के माध्यम से गढ़वाल भवन में आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम झाड़ू लेकर नहीं करेंगे। गांधी जी ने बकरी बांध दी है और वो बकरी खाने लगे ड्राई फ्रूट, उन्होंने बापूधाम और आज नाम दे दिया हरिजन, ठीक है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में झाड़ू लगाई, स्वच्छता अभियान, तो हमारी सफाई होगी गरीबों की। और तीसरा, ये दिल्ली के झूठे फरेबी मुख्यमंत्री ने बापूधाम में जाके झाड़ू का निशान दिखा दिया। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस नई दिल्ली विधानसभा में आज ये पत्रिका ये प्रण करके हम इस पार्टी की तरफ से जा रहे हैं कि ये नई दिल्ली विधानसभा जब बदलाव का इतना बड़ा प्रतीक बनी है, पूरे देश में बदलाव लाई है, कभी गांधी के आंदोलन का ये गवाह है, गांधी के आंदोलन का ये गवाह है, मोदी के आंदोलन का, मोदी के स्वच्छता अभियान का अगर ये गवाह है, ये गवाह है केजरीवाल की झाड़ू के आंदोलन का, तो ये झाड़ू वाले भी इस नई दिल्ली विधानसभा से उसकी विदाई तय करेंगे और हम नई दिल्ली विधानसभा से अपने कैंडिडेट को घोषित कर रहे हैं 2020 के लिए। आज इस कार्यक्रम में हम जो सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं, हम बार बार बोल भी रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ, चप्पल वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ हम इस देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो समाज अगर सर पे बिठा सकता है टोपी पहन के, तो वो तुम्हें गिराने के लिए भी तैयार है। और आज हम नई दिल्ली विधानसभा से सफाई की शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीतिक गंदगी की सफाई की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम तय कर रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो नई दिल्ली विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हम आज घोषित करने जा रहे हैं। और आप सबसे विनती करते हैं कि आप सब जाकर पूरे दिल्ली प्रदेश में ये मैसेज दें और यहाँ से शुरुआत करें। तो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाई विजेंद्र सिंह राजू पांचा, उनको हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, पहला उम्मीदवार हम डिक्लेयर करें, स्वागत करें, जवान बच्चा है और इस राजनीतिक गंदगी की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। उन्होंने झाड़ू उठाई थी, हम वोट उठा रहे हैं, हम वोट के नाम पे राजनीतिक गंदगी की शुरुआत करते हैं, सफाई की शुरुआत करवा रहे हैं।